मतदाता जागरूक हैं और जागरूक मतदाता ही अपने पंचायत के विकास को लेकर बहुत कुछ फैसला करने वाले हैं। वो डेट है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को मतदाता फैसला करेंगे, लेकिन बहुत से मतदाता है क्या कहेंगे, क्योंकि पंचायत के विकास का तो सभी बात कहते हैं, पंचायत के कितना हुआ विकास? आप एक मतदाता है, पंचायत का विकास 80% हुआ है, जहाँ कुछ नहीं था 80% हुआ। कोरोना काल में विकास जो है बहुत बाधित हुआ, बाहर से लोग आए हुए थे, जो कि बाहर में कुछ खाना नहीं मिल रहा था, लोग रहने का भाड़ा से निकाल रहा था लोग, तो भाग कर किसी तरह से आए। तो हमारे पंचायत में 3 सेंटर मुखिया जी के आदेश से हुआ रुपया जो है ग्राम पंचायत भवन है, जरूर ग्राम पंचायत, यानी मानवता की सेवा मुखिया। हाँ, खुद मुखिया जी मीरा सिंह रात दिन खट करके, जो बाहर से आए हुए थे लोग, क्या जरूरत है, कपड़ा का जरूरत है, खाना का जरूरत है, साबुन का जरूरत है, किसी को तौली नहीं है, मानवता की सेवा, मानवता की सेवा। लेकिन है। बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि काफी घोटाला किए मीरा जी ने। जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ CEO साहब, थाना प्रभारी, सब लोग मिल करके हम लोग एकजुट होकर के लड़ते रहे इस पर। और हम लोगों को ग्लास नहीं चाहिए, किताब चाहिए। नौजवान यही सब कह रहा है कि ग्लास नहीं, हम लोग किताब चाहिए। सबसे पहले हम उत्तरवारी जंगल महल, टेम्पू कितना तेज चलेगा ये बताइए ना। ये बात सत्य है कि टेम्पू स्कॉर्पियो की अपेक्षा धीमा चलेगी, लेकिन यह वर्तमान में टेम्पू जो है गरीबों जन साधारण लोगों की सवारी है। परसेंटेज लोग टेम्पू का सवारी करते हैं, गरीब गुरबा और जन साधारण, और स्कॉर्पियो जो है बड़े बड़े पैसा वालों लोगों की है। तो ये जो सवारी जो है जन साधारण को मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगी, ये हम पूरे उत्तरारी जंगल महल की जनता का विश्वास है। और जनता अपने विश्वास के साथ पुनः मुखिया मीरा सिंह को आने वाले 8 अक्टूबर को, टेम्पू जो है वो गरीबों का है, दलितों का है, युवाओं का है, साधारण तबके का है, और टेम्पू जरूर आगे अपनी मंजिल तय करेगा। उत्तरवारी जंगल महल के सभी मतदाताओं की ओर से मीरा जी आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामना। भोजपुर दर्शन के सभी दर्शकों की ओर से भी आपको बधाई शुभकामना कि आप जीत का माला पहने और पंचायत का विकास।